करता करे न कर सके, शिव करे सब होए, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई। कहा जाता है कि एक राजकुमारी ने एक शमशान व्यासी के लिए कई सालों तक तपस्या की और उस शमशान वासी ने भी कई सालों का इंतजार किया और आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन वो दोनों एक हो गए। हम बात कर रहे हैं देवों के देव महादेव और माता पार्वती की, जो सालों के तपस्या और इंतजार के बाद आज के शुभ दिन महाशिवरात्रि के दिन एक हुए। तो आइए आज के इस शुभ दिन पर आज चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हर किसी के मन में उत्साह है आज के दिन को मनाने के लिए, हर कोई शिव जी की आराधना में लीन है। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ का मंजर। महादेव एक ऐसा नाम जिसे बोलकर ही सुकून और शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो सोचिए अगर आप भोलेनाथ की श्रद्धा में लीन हो गए तो क्या होगा। मैं बताती हूँ आपको, जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि कहते हैं ना, जिसने शिव को पा लिया वो सब पा लिया। आज शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर पहुँचते ही चारों तरफ देखा तो सब खुश थे। एक अलग ही भक्ति की ऊर्जा हर दिल में थी। अपने फ़ोन में सभी उस खुशी और शांति के पल को कैद करते दिख रहे थे। लेकिन फिर मेरी नज़र उन लोगों पर भी पड़ी जो एक कोने में बैठकर शिव में लीन थे, शिव को पाने के लिए ध्यान लगा रहे थे। देखकर लगा जैसे मानो जिंदगी में कोई सुख दुख से उन्हें मतलब ही ना हो। उन्हें चाहिए तो बस शिव। क्यों? क्योंकि जिसने शिव को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो पार्वती पते, हर हर महादेव। Thank you.